गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो कल बहुत मज़ा आया, वीकेंड था, नवरात्रे ख़त्म हुए थे तो बाहर गए, खाया पिया, नॉनवेज खाना था बच्चों को तो अच्छा हो गया, ठीक है, सबने खा लिया, अपना मन का कर लिया तो बढ़िया। बस वीकेंड था, फिर घर आके हम लेट सोए, एडिटिंग करते हुए भी टाइम हो गया था, फिर मूवी लगा ली, बैठे रहे ऐसे ही, तो कुछ खास नहीं। तो फिर सुबह लेट उठे, बस आलस, तो बस अभी मैं निकला हूँ बाहर थोड़ा काम से, और उसके बाद फिर मैं जिम जाता हूँ, वहीं से डायरेक्ट ही चला जाऊँगा क्योंकि मैंने अपना सारा सामान वान ले लिया। तो मैंने कहा उसके बाद सीधा ही वहीं से जिम चलते हैं। तो दशहरे का वही, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सेलिब्रेशन इधर नहीं है। दिवाली का थोड़ा बहुत होता है क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं, सालमिया एरिया, तो यहाँ इंडियंस बहुत हैं, तो थोड़े क्रैकर्स और ये लाइट वाइट जला लेते हैं, घरों में लाइट्स लगी हैं, बाहर लगी हैं, तो थोड़ा अच्छा माहौल होता है, लेकिन फिर भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। दशहरे का तो यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो सुबह से ही मतलब रौनक शुरू हो जाती है, जैसे मुझे याद है हम इंडिया में थे तो निकल पड़ते थे घर से देखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ रावण लगे हैं और कहाँ का बहुत अच्छा या बड़ा रावण है, तो शाम को वहाँ जाके देखेंगे कि कैसे जलाते हैं, कितने क्रैकर्स लगे हुए हैं उसके अंदर। तो वही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले शुरू शुरू में तो हम भी काफ़ी इस टाइम पे भी इंडिया चले जाते थे, बच्चों की छोटी क्लास होती थी, तो अब तो बच्चों की क्लासेस बड़ी हो गई हैं, तो ऐसे बीच में नहीं जा सकते कि छुट्टी करा के निकल जाओ। तो बस यही है कि आपस में आप जिन लोगों को जानते हो सेलिब्रेट कर लो। तो हमारे एक जानकार हैं, काफ़ी मिलते रहते हैं, तो उन्होंने बोला हमारे घर आ जाओ, आज फ्राइडे भी है, इधर कुवैत में छुट्टी होती है और सैटरडे भी लोगों की यहाँ छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे, तो उन्होंने बोला हमारे घर आ जाओ, डिनर साथ में करते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं कोई भी ओकेजन या फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे। तो फटाफट मैं काम निपटाता हूँ, जिम करते हैं गाइस, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों ने क्या प्लान किया है, कैसे उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि लईशा कह रही थी पापा कुछ करते हैं, मैंने कहा करो, प्लान करो, जैसा भी कुछ है। तो फटाफट चलते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। कैसे हैं आप? बस अभी मैं जिम करके आया था तो ऐसी विंडो पे खड़ा था, तो मैं कोशिश कर रहा था देखने की कि रावण दिख जाए कुवैत में, तो अभी दिखाता हूँ आपको। रावण दिख रहे हैं, अभी जैसे ही अंधेरा होएगा तो ये जलेंगे। तो गाइस ये कुवैत है, अरब कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। गाइस दशहरे की बहुत बहुत मुबारकें, रावण का दहन करके आ रहे हैं अभी हम, कविन ने उसको अग्नि दी है तीर कमान से, तो नम्रता का थोड़ा मूड खराब है, वो कह रही है कि मैंने अग्नि देनी थी, लेकिन हमने बोला ऐसे थोड़ी करते, सीता माँ थोड़ी करती है, जो करना है वो राम ने ही करना। तो कविन तो राम है, मतलब रावण जलाते हैं, जो उसकी लकड़ियाँ होती हैं वो लोग अपने लॉकर में जाके रखते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ बहुत प्रेशियस होती हैं। That's what I was saying that you didn't let me complete. बंद कर यार, हम तो कुछ तू बोलती क्यों नहीं, जब तू बोलते हैं नहीं नहीं तू लईशा बोल देना, गजब बेइज्जती है। और वो भी कि मेरे दिमाग से निकल गया। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा खान पीन कर लें, गाड़ी का फ्यूल भरवा लें, तो उसके बाद चलते हैं, एक फ्रेंड के घर सेलिब्रेशन है जैसे कि मैंने सुबह बताया था, तो एक फैमिली का उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो
बस ऐसी गेट टुगेदर, खान पीन, बस यही सब है। बस दशहरे की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे लो, कुवैत में तो यही सेलिब्रेशन है। लईशा कुछ कह रही थी रावण के बारे में, तो लईशा ओवर टू लईशा, बोल। यही नहीं, अभी और सुनिए। कविन दे दो, मैं बोलती हूँ। पूरी शक्ल दिखनी चाहिए टॉप टू बॉटम। ओके वेट, तो गाइज मैं कह रही थी कि इंडिया में कुछ लोग रावण को बुरा मानते हैं या सोचते हैं कि रावण तो विलन थे रामायण के, तो उनकी वर्शिप क्यों की जाए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि रावण जैसा कोई इंसान नहीं था। ही वॉज अ, मतलब उनको सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इवन राम जी रावण की मशीन है, he was a scholar, ये बोल बहुत बड़ा विद्वान था। बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। वाह क्या सीन है, वो बहुत विद्वान थे और इवन राम जी उनकी एडवाइस लेते थे। और जो लोग समझते हैं कि रावण ने राम जी के ऊपर, जो लोग समझते हैं कि रावण ने राम जी से युद्ध करके पाप किया, तो उन्होंने मरने से पहले राम जी के पैर छू के उनसे माफ़ी मांग ली थी, तो उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि रावण वॉजंट अ बैड ह्यूमन बीइंग। एंड रावण को अग्नि देने से पहले हर दशहरा पे रावण का प्रसाद भी बटता है, तो अगर हो सके तो प्लीज नेक्स्ट दशहरे से उनका प्रसाद भी जरूर चखिएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब अभी हम घर आए हैं, तो बस रात को 1 बज गया है, तो कुछ खास नहीं, एक दो फैमिलीज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो कुछ खास नहीं, बस एक दूसरे को मुबारक दे के खाना वाना खाया, एंजॉय किया, हैड गुड टाइम। तो ऐसे ही सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। तो रियली इन दिस फेस्टिवल सीजन वी आर रियली मिसिंग इंडिया, वी आर रियली मिसिंग अवर ओन पीपल। तो आई होप दिवाली के टाइम पे कुछ अगर छुट्टी का प्रोग्राम बन जाए तो इंडिया जा सकें, ताकि कुछ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो देखते हैं गाइस, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। यू टेक केयर, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए। गुड नाइट।